एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग में देखा कि हम लोग नोएडा पहुँच गए हैं, मतलब नोएडा का थोड़ा सा हम व्यू दिखा दिए थे। हम तो ज़्यादा शूट नहीं किए थे, थोड़ा सा कैप्चर किए। और इधर का वो ना पीछे तरफ का था थोड़ा सा, वहाँ पे ना माहौल बहुत सुंदर था, वो बहुत ही अच्छा लगा उस जगह में। और इसके बाद उस दिन हम लोग पूरा रेस्ट किए, मतलब जाने के बाद क्या हुआ था ना कि बहुत थक चुके थे, इसीलिए उस दिन कहीं भी जाना संभव नहीं था। हम लोग करीमान वहाँ पे 5:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे और मन कर रहा था कि कहाँ एकदम ठंडा पानी मिले, हम लोग स्नान करें बाल धो के, क्योंकि 2 दिन हम लोग मतलब ट्रेन में सफ़र किए हैं, घर से ही स्नान करके गए थे। एक दिन एग्ज़ाम देने में लग गया और दूसरा दिन पूरा ट्रैवल में हम लोग का लग गया, तो इस वजह से बहुत मई लग रहा था, शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्नान वगैरह करके रात भर आराम से सोए, थकावट दूर हुआ। इसके बाद हम लोग, नेक्स्ट डे है ये, तो आज हम लोग निकले हैं गुरुद्वारे के लिए, निकले हैं दिल्ली घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब जेंट्स लोग जो है उनको रुमाल बांधना होता है या फिर ये वाला मतलब कुछ है वो बांधना पड़ता है, हम लोग को मालूम नहीं था तो हम लोग लिए नहीं थे। इस वजह से हम लोग भीतर आके देखे कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम लोग यही सब ले लिए। और फिर क्या हुआ ना कि जो लेडी होती है उसका माथा में दुपट्टा होना चाहिए या फिर वो भी बांध लो, तो या फिर आप ये बांध दीजिए या फिर आप दुपट्टा ले दीजिए, लेकिन रहना ज़रूरी है सर पर। इस तरह गुरुद्वारा पे आप नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग का मतलब, मेरा तो इस तरह आदत नहीं है, घर में यूँ ही रहते हैं, बार बार गिर जा रहा था। तो जो भी देख रहे थे ना वो बोल रहे थे ना कि माथा में मतलब जो भी वहाँ देखेगा कोई भी हो वो ही पट से आपको मतलब बोलेगा कि माथा में दुपट्टा रहना है। यहाँ का मतलब एक कल्चर होता है, नियम होता है। और सभी लोग हम लोग फिर ले लिए और फिर भीतर चले गए। और यहाँ का भी इतना आराम था, मतलब इतना आनंदमय था, इतना शांति था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे सबसे पहले चप्पल उतारना पड़ेगा और चप्पल को यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये आपका सही सलामत रहेगा। यदि इधर उधर खोल दीजिएगा तो उनका रिक्स ये लोग नहीं लेंगे, इस वजह से यहाँ चप्पल रखने वाला घर है या फिर कुछ भी बोल लें। और मतलब इतना गर्मी है, एक ये बात तो है कि आपको इतना ज़्यादा गर्मी लगेगा। पूरे गुरुद्वारा में जो है ना चादर बिछा हुआ है, ये देख सकते हैं कारपेट, और उसमें पानी डला हुआ है तो जिससे थोड़ा सा तो राहत मिलेगा। और आप सोचिएगा ये वाइट वाला टाइल्स में चले तो इसमें पॉसिबल नहीं है, आपका पैर जलने लगेगा। और ये है मुख्य मतलब गुरुद्वारा में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे मतलब ये रहता है। तो वहाँ पे जाने के बाद ना आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता है, मतलब अभी ना क्या है कि सभी जगह पे मोबाइल अलाउड नहीं है, क्योंकि यही है मतलब भीतर का सीन। हम थोड़ा सा दृश्य ले लिए आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मना था, मोबाइल अलाउड नहीं था। तो हम प्रणाम करने चुके थे ना, हमको बिल्कुल पता नहीं था मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम ना डायरेक्ट लेना शुरू कर दिए। तो फिर बाद में हमको बोले यहाँ मतलब आप पढ़े नहीं हैं क्या बाहर में, मोबाइल बंद कीजिए। और जगह जगह पे बोला जा रहा था मोबाइल बंद, कोई भी मतलब फ़ोटो खींचना भी मना था कहीं पर भी। तो फिर भी हम लोग के पास मोबाइल था तो हम लोग यूँ ही नहीं छोड़ रहे थे, कैप्चर तो कर ही रहे थे। तो यही बात होता है ना कि जहाँ जो चीज़ है उसको नियम पालन करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो देते हैं यार, मतलब क्या यूँ ही ये रहेंगे। और इसमें इतना सारा मछली था ना, क्या ही बोलेंगे, मतलब बहुत खूबसूरत सूरत आता था, मतलब डर नहीं लगता था। ये लोग को यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा था, पैर मतलब घुसा के हम लोग रह सकते थे, लेकिन ज़्यादा देर रखे नहीं क्योंकि उसके भीतर मछली था। और ये एक धार्मिक स्थान है, इसमें यूँ ही मतलब क्या ही बोले, मतलब पैर रखना अच्छा नहीं लगता था, हम लोग ऊपर ही रखे थे, हाथ से पानी पैर में थोड़ा सा डाल दिया और पूरा छिट्टा मार दिया। और देख सकते हैं कि मछली सब कितना बड़ा बड़ा है, अच्छा है। और यहाँ का भी सच में अच्छा था, बट जो है ना गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा गर्मी यदि कम रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो यहाँ बहुत
तेज गर्मी है, गर्मी के कारण हाल ख़राब था, ऐसे तो क्या ही बोले। मतलब जो भी था बहुत खूबसूरत था, और शायद ये सब सौभाग्य से मिलता है। भाग्य तो यूं ही चल ही जाता है, सौभाग्य जिसको बोलते हैं, यूं ही नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पे। शायद मेरा सौभाग्य था कि मैं उस जगह पे गई, और मतलब दुपट्टा हटना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, तो बस यही है। ये होता है ना कि क्लिप वगैरह ले जाते तो फिर स्ट्रेच रहता, तो नहीं ले गए थे ना, तो स्ट्रेच नहीं था, थोड़ा सा दिक्कत होता था। इसके बाद फिर हम लोग कुछ देर बैठे शांति से, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अंदर जाके लंगर जो होता है वो खाएंगे, क्योंकि यदि गुरुद्वारे जाएं और लंगर नहीं खाएं तो ये अलग बात हो जाएगा। तो हम लोग लंगर खाने के लिए गए, बट वहाँ पर ना इतना बड़ा पंखा लगा हुआ था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जितना बड़ा वहाँ पर है ना डाइनिंग रूम, उतना बड़ा ना मतलब पंखा, और पंखा रहने की वजह से ना मतलब गर्मी वहाँ पे नहीं पता चला। और एक तो ये सुविधा था ना कि जगह जगह पे कारपेट बिछा हुआ था, जिस वजह से हम लोग को पैर में गर्मी नहीं लग रहा था, और मतलब वहाँ पे ना मतलब सुकून लग रहा था, लग रहा था कुछ खा रहे हैं, जो भी दे रहा था बड़ी प्रेम से खिला रहा था, और सच में आनंद आ रहा था। तो एक होता है ना कि मतलब खाना ना खाना बात दूसरा है, लेकिन हम लोग को तो बहुत आनंद आया वहाँ पर। हम मोबाइल नहीं निकाले क्योंकि कोई नहीं निकाल रहा था, और जगह जगह लिखा हुआ था मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगा। जब हमको पता चल गया ना तो हम मोबाइल निकालना बंद कर दिए। उसके बाद एक ना यहाँ पे चर्च था, और ये काफ़ी मतलब पुराना चर्च है कहा जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। आप यदि कहीं जाते हैं तो हम लोगों ने सारे धर्म को कवर किया है, तो ये है ईसाई धर्म का चर्च। मतलब आप लोग जानते होंगे, वो बताने का ज़रूरत नहीं है ईसाई धर्म है या कोई भी, तो चर्च है। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं था, भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, तो हम कैमरा बंद कर दिए और भीतर गए, क्योंकि मेन यही वाला है, मेन भीतर में कैमरा अलाउड नहीं होता है, आप लोग समझ सकते होंगे। इसके बाद फिर निकले तो फिर हम लिए, और वहाँ कुछ पल शांति से आप लोग बैठिए, प्रे कीजिए, गॉड आपका जरूर प्रे सुनेंगे, और फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आने लगे। तो थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छा जगह था, यदि शाम को आप लोग जाए ना तो काफ़ी मज़ा लगेगा। इसके बाद यहाँ गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे निकल गए, और इस दौरान मेरे साथ हुआ क्या कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से, और मतलब फ़ोन चार्ज ही नहीं था, जिस वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोग गए ये अक्षरधाम मंदिर है, जो अभी नहीं मतलब शाम को हम लोग आएंगे, इससे पहले हम लोग जाएंगे गोल्डन टेंपल और लोटस टेंपल, कुतुब मीनार और लाल किला, ये सब सारा चीज़ कवर करेंगे। तो हम लोग वो तीन जगह छटपट घूम कर आएँ, और हम तब तक गाड़ी में मोबाइल चार्ज करने के लिए दिए थे, कुछ देर चार्ज हुआ। इसके बाद हम लोग चल गए अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर में क्या होता है ना कि वहाँ पे हम लोग को मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम लोग नहीं फ़ोटो खींच सकते हैं। हम लोग सारा मोबाइल ना मतलब जैसे कि चार्ज भी नहीं था, और सारे मोबाइल हम लोग गाड़ी में रख दिए थे, इस वजह से कोई कुछ शूट नहीं किया। और उसमें आपको मोबाइल मतलब मेन गेट में ही चेक होता है, तो फिर अंदर ले जाने का चांस ही नहीं है, तो छूट गया। इसके बाद हम लोग सोचे वाटर जो ये होता है पार्क का तरह कुछ दिखाया जाता है, तो फिर वो देखने का हम लोग कोशिश किए, तो उसमें टिकट ना तुरंत फुल हो गया, हम लोग वहीं बैठे थे पर टिकट तुरंत फुल हो गया, तो हम लोग नहीं देखा पाए मतलब नहीं देख पाए, तो वो छोड़ के हम लोग आ गए इंडिया गेट। तो अभी इंडिया गेट में हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे बिताए अक्षरधाम मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ ऐसी है देखने लायक है, बहुत घूमने में मज़ा आता है, और मतलब पुराने कल्चर को आप मतलब देख पाइएगा, तो वो कुछ आपको पुरातत्व चीज़ आपको पता चलेगा उसमें, तो वो काफ़ी अच्छा था, वो चीज़ देखने लायक थी, और सभी चीज़ देखने लायक थी। और यहाँ कुछ कुछ पिक लिए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और मतलब जो भी था बहुत अच्छा था, ये जो भी हम लोग घूमे काफ़ी अच्छा था। गोल्डन टेंपल और लोटस टेंपल का फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि मोबाइल पूरा डिस्चार्ज था, और हो सकता है इनके पापा के मोबाइल में होगा,
तो वो फ़ोटो अभी हम नहीं ट्रांसफ़र किए हैं, जब ले लेंगे तो कभी ना कभी शॉर्ट्स के द्वारा हम छोड़ ही देंगे। कोई नहीं, जो भी था बहुत अच्छा था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत से हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले हमको क्या चीज़ में गलती हो रही है। और ज़्यादा चीज़ कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि मतलब अभी समय नहीं है, और हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि क्या रीज़न था। तो अभी इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को, करते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप लोग को अच्छी लगी